नमस्कार, टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। राष्ट्रीय खेलकूद 2079 के ट्रॉफी मुख्यमंत्री राउत द्वारा अनावरण कल गेल मुख्य प्रशंसा। मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत नवम राष्ट्रीय खेलकूद 2079 के ट्रॉफी के जनकपुर धाम में आए अनावरण केने साथ। जानकी मंदिर में आयोजित ट्रॉफी अनावरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री राउत यह ट्रॉफी अनावरण कलत। कार्यक्रम के संबोधन करते मुख्यमंत्री राउत राष्ट्र के गहना के रूप में रहल खिलाड़ी सब के जीवन यापन के व्यवस्था राज्य के दायित्व रहल उल्लेख समेत केने चलत। ओ मधेश सरकार स्थापना काले से खिलाड़ी सब के लिए जीवन यापन के ठोस व्यवस्था कर लक्ष्य रखलो पर विविध कारण सब से कर नहीं सकल प्रति दुख व्यक्त करते आगामी दिन में ऐ के लिए अपने सदैव सक्रिय रह प्रतिबद्धता समेत जनौने चलत। पिछला समय में युवा समय भयावह बनते गेल दुर्व्यसनी के समस्या से प्रदेश के मुक्त कराब समेत खेलकूद ऊपर जोर देव पर आवश्यक रहल उल्लेख करते मुख्यमंत्री राउत खेलकूद के विकास के लिए आवश्यक पूर्वाधार से लकर खिलाड़ी सब के व्यवस्थापन में समेत प्रदेश सरकार अग्रसर रह प्रतिबद्धता व्यक्त कलत। महिला बाल बालिका युवा तथा खेलकूद मंत्री वीरेंद्र सिंह के अध्यक्षता में कल गेल उक्त कार्यक्रम में राष्ट्रीय खेलकूद दीपक विष्ट, क्रिकेट संघ धनुषाक अध्यक्ष गुड्डू पांडे, सरोज मिश्र सहित संबोधन समेत केने चलत। जनकपुर धाम में महिला हिंसा विरुद्ध में रहल कानूनी तथा नीतिगत अंतर अध्ययन नामक पुस्तक के विमोचन कल गेल। CDWN द्वारा बृहस्पति दिन जनकपुर धाम में आयोजित लैंगिक हिंसा के रोकथाम तथा संबोधन कर क्षमता विकास आ बहुक्षेत्रीय दृष्टिकोण मार्फत महिला तथा बाल बालिका सब के सशक्तिकरण परियोजना अंतर्गत अंतरक्रिया तथा पुस्तक विमोचन कार्यक्रम के मध्य प्रदेश के महिला बाल बालिका युवा तथा खेलकूद मंत्री वीरेंद्र प्रसाद सिंह उक्त पुस्तक के विमोचन केने छलथि। उक्त पुस्तक के उद्देश्य महिला हिंसा अंत्य के लिए विभिन्न कानून नीति कार्यविधि तथा मापदंड के प्रयोग के वास्तविक स्थिति पता लगाव रहल कार्यक्रम में अध्यक्ष दुलारी हरिजन जिक्र केने छलथि। कार्यक्रम में जिक्र करते प्रमुख अतिथि मंत्री सिंह महिला हिंसा अंत करे लेल सबसे पहल प्राथमिकता शिक्षा के देव आवश्यक रहल जिक्र कलथि। ओ विद्यालय में विद्यार्थी भर्ना कर समय कमती में एक बेर अपन गांव घर टोल में जाकर दलित एवं पिछड़ल वर्ग के घर में पहुँच कर हिंकर सबक बेटा बेटी के विद्यालय में भर्ना कराब उत्साह कर आवश्यक रहल समेत जिक्र कलथि। मंत्री सिंह सरकारी आ गैर सरकारी संघ संस्था कोनो तालीम देने उक्त तालीम के सहभागी सबके तालीम बमोजिम आवश्यक उपकरण प्रदान कर व्यवस्था समेत मिलाव उक्त संघ संस्था के आग्रह समेत केने छथि। अब खास गरीब अब यो गरीब हाम्रो समाजको आर्थिक व्यवस्था पो फुटिन्दा छ। हामीले चार महिना त किसि पानी दिँदै आएका छौँ। कहाँ अब अलिक मोटेट गर्दा हुन्छ हामीलाई अब त्यसलाई अब भन प्रभावकारी कसरी प्रभावकारी ढङ्गले यहाँ गाडी बढाउँदै सक्छ सकिन्छ त्यो कुरा सोध्ने जरुरी छ। जसरी अब पहिला त कि हामीले इभिन दाली भाउ दिने तर आर्थिक अभावको कारणले गर्दा महिलाहरूले के गर्छ भने अब तालिम लियो अब केही सिक्यो सब आर्थिक अभाव फाइदा त्यो सर्टिफिकेट ल्याएर आफ्नो घरको अब भन्छ नि देहातीमा कोटीको दाना बनाएको थियो दुई महिना पर्छु पुग्छु ट्रेनिङ स्कुल गर्छ। मंत्री सिंह आज के किछ दिन में मध्य प्रदेश के 2000 से बेसी किशोरी सब के आत्मरक्षा के प्रशिक्षण देव प्रदेश सरकार के योजना रहल जिक्र केने छलथि। मध्य प्रदेश में रहल अव्यवस्थित सुकुमवासी सबके समस्या समाधान के लिए अपने सहयोग कर जनता समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र यादव प्रतिबद्धता जनौने छथि। चुरे वन जगत संरक्षण तथा भूमिहीन संघर्ष समिति संचालन के ने घेराव कार्यक्रम में यादव सुकुमवासी समस्या के व्यवस्थापन राज्य के दायित्व भीतर रहला से भूमिहीन समस्या में सरकार के ध्यान आकर्षण कराव आश्वासन दिलथि। तपाईँको प्रदेशमा छ भने तर जुन भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचारी छ प्रदेशमा वन डिभिजनहरूमा जिल्ला डिभिजनहरूमा त्यो भ्रष्टाचारीको सम्बन्धमा उनीहरूको भ्रष्टाचार गरेको प्रमाण ल्याएर दिँदा यो प्रदेश सरकारको मन्त्री शत्रुघ्न महतोले तपाईँको दबाएर त्यो भ्रष्टाचारले संरक्षण गर्ने कार्य गरेको छ।
र वन भुटनका जग्गाहरू वनको जग्गाहरू दिनौ तपाईँहरू तपाईँको दिनौत सम्मान हुँदैछ यो कुरामा पनि प्रदेश सरकार मौन भएको सुकुम्बासी सबके समस्या समाधान के लिए स्थानीय राजनीतिक दल मार्फत केंद्र आ प्रदेश में जानकारी करवैत अ क्षेत्र के समुदाय के उत्थान के लिए काज कर नहीं सकल चूड़ी अभियानी सुनील यादव जिक्र केने सलैथ ताकि ये समस्या मांग लो और जिस समय से आन सब फिर नाम से आन सब के हमने सब ने तो समान से जाते और ना भूल प्रेम पता ने लड़े लड़े रखता खाए खाए देते एमहर सामाजिक अभियंता सरोज राय भूमिहीन सुकुम्बासी सबके एजेंट आ जसपा पार्टी के होवे आ आई के कार्यान्वयन में लजाई लेल आग्रह कलै थे भूमिहीन सुकुम्बासी सब वर्षों से आंदोलन करैत आयल मुदा कोनो सरोकार वाला आई के समस्या समाधान कर नहीं सक जेहन देखल गेल नेपाल में थप 45 गोटे में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेल देश भर कैल गेल 1307 पीसीआर परीक्षण में 25 गोटे आ 1371 एंटीजन परीक्षण के क्रम में 20 गोटे में कोरोना के संक्रमण पुष्टि भेल कोरोना के कारण बृहस्पति दिन किनको मृत्यु नहीं भेल स्वास्थ्य मंत्रालय जानकारी दिलक तहिना बीतल 24 घंटा में थप 70 गोटे कोरोना संक्रमित निक भेल शनि अखन नेपाल में 1077 सक्रिय संक्रमित आइसोलेशन में रहल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जानकारी दिलक दशई के चारिम दिन आई कुष्मांडा देवी के पूजा भ रहल कुष्मांडा देवी के शुभ कर्म आ सृष्टि के प्रतीक के रूप में समेत पूजा करबाक चलन रहल ई देवी में गर्म रक्त समूह भेल मानव चिड़िया चुड़ुंगी तथा ठंडा रगत भेल माछ सर्प लगात के सारा प्रणाली के सृजना करबाक शक्ति रहल शास्त्र समय उल्लेख कयल गेल कुष्मांडा के लौकिक अर्थ तहिना उष्ण हवा पानि के प्रकृति में बढ़ल मुदा भीतरी गुण शीतल रहल फल सैज कुम्हार के कुष्मांडा देवी के प्रतीक समेत मान के दशई में आई के पूजा करबाक चलन रहल व्यास शक्तिपीठ तथा देवी मंदिर समय सैज कुम्हार के विधि पूर्वक पूजा करैत आई के बलि समेत चढ़ाओ जात कुष्मांडा ब्रह्मांड के सृष्टि क के पृथ्वी रचना के लिए सूर्य के अपन ताप शक्ति दगा प्रज्वलित बनेने आ अन्य ग्रह के समेत रचना क के पूरा सूर्य मंडल संचालन के ने देवी भागवत लगायत्य ग्रंथ समय उल्लेख रहल धनुषा में फलाम के रोड प्रहार क के 4 बरखक बालक के हत्या कयल गेल धनुषा के छिरेश्वरनाथ नगर पालिका 5 महेंद्र नगर में बुध दिन 3 बजे 28 बरखक रवि पासवान रोड प्रहार क के अपने भतीजा 4 बरखक अनु पासवान के हत्या के ने धनसा परी प्रवक्ता डीएसपी प्रदीप बहादुर क्षेत्री जानकारी देने सैन हिनकर अनुसार रोड प्रहार से बालक गंभीर घायल भेल सलैन स्थानीय स्वास्थ्य संस्था में इलाज के क्रम में बालक के मृत्यु भेल प्रहरी रवि के नियंत्रण में लक इलाका प्रहरी कार्यालय सखवा महेंद्र नगर के हिरासत में रखने से बालक के लाश पोस्टमार्टम के लिए प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर में राखल गेल हत्या के कारण खुजन नहीं सकल मुदा पारिवारिक विवाद में हत्या कयल गेल होब सकबाक प्रहरी अनुमान कयलक करेंट लाइक रौतहट में एक गोटे महिला के मृत्यु भेल जिला के पश्चिम भेग फतुआ विजयपुर नगर पालिका 5 डुमरिया के गगन देव महतो के 50 वर्षक पत्नी जसोधिया देवी महतो के करेंट लाइक मृत्यु भेल अपने खेत में लगायल गेल बाली के जंगली जानवर से बचाव लेल विद्युत के तार से करेंट लागल बुध दिन सांझ महतो के मृत्यु भेल घटनास्थल पहुंचल इलाका प्रहरी कार्यालय विजयपुर लक्ष्मीनिया के प्रमुख इंस्पेक्टर सुरेन्द्र धमाल जानकारी देने सैन मृतक महिला के लाश पोस्टमार्टम के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चंद्रनिगाहपुर पठाओल गेल तथा घटना संबंध में थप अनुसंधान से हो भ रहल इलाका प्रहरी कार्यालय विजयपुर जानकारी दिलक मध्य प्रदेश के बृहस्पति दिन बैस लागल कैबिनेट बैसार के नेपाली कांग्रेसक भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्री रहल राम सरोज यादव बहिष्कार केने सायत
मुख्यमंत्री लालबाबू राउत आ यादव बीच किछ महीना से संबंध समेत बिगड़ल अछि। मंत्री यादव कैबिनेट बैसार के निर्णय कार्यान्वयन नहि हय त बैसार में जाय के औचित्य नहि रहल जिक्र चलैत। मुख्यमंत्री राउत मौखिक निर्देशन के भर में काज कराबत चाहि रहल, संगे हिनकर निर्देशन कार्यान्वयन कर निकाय से कोनो प्रतिक्रिया नहि आयल। समेत स्रोत के अनुसार मुख्यमंत्री राउत कहने योजना भौतिक पूर्वाधार मंत्री यादव कार्यान्वयन नहि कला से विवाद शुरू भेल अछि। राउत के सहमति बिना हिनकर क्षेत्र में भौतिक पूर्वाधार मंत्रालय से कयो योजना सब कार्यान्वयन भेल अछि, एहि से राउत आक्रोशित समेत बनल छथि। नेपाली कांग्रेस के खबरदारी अभियान दसैं तिहार तथा छठ के अवसर में चिया पान कार्यक्रम के आयोजना कैलक अछि। पार्टी के आंतरिक एकता समाज अवसर आ न्याय के निमित्त दसैं तिहार आ छठ अवसर में चियापान कार्यक्रम आयोजना कैल गेल। कांग्रेस खबरदारी अभियान जानकारी दिलक अछि। चियापान में कांग्रेस नेता शेखर कोइराला, गगन कुमार थापा लगात सहभागिता जनौने छलथि। चियापान में सहभागी सब समानुपातिक बंद सूची में अन्याय भेल आ यह अवस्था प्रत्यक्ष दिस सेहो देखल जा सकला से व्यास से सजग होबय पड़त जिक्र कैलथि। कांग्रेस युवा नेता भूपेंद्र जंगशाही कांग्रेस सबके साझा पार्टी रहला से सब नेता तथा कार्यकर्ता के भावना अनुसार नेतृत्व आगा बढ़ाव जिक्र कैलथि। संगे टिकट वितरण न्यायोचित ढंग से कर पड़त अपने सबके कहब रहल ओ धारणा समेत रखने छलथि। आएको थियो भन्ने आधारमा टिकट वितरण गर्ने मात्र नभनिनु हुँदैन, पार्टी सबैको साझा पार्टी हो र सयौँ कार्यकर्ताहरूको लाखौँ कार्यकर्ताहरूको तपाईँको पसिना बगेको छ, रगत बगेको छ, जिन्दगी तपाईँको दिनुभएको छ, सङ्घर्ष गर्नुभएको छ, त्यो सबैको मूल्याङ्कन गरेर मात्रै टिकट वितरण गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो। र जो आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जो लोकप्रिय छ, जो जनताको बिचमा सबभन्दा बढी तपाईँको भिजेको छ, जसले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जुन निर्वाचन जित्न सक्छ, जो साँच्चीको उम्मेदवार बन्न लायक छ, सक्षम छ, त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ पार्टीले टिकट दिने आधार बनाउनु पर्यो। अघन 4 गते होबय लागल निर्वाचन के सीट बाँटफाड़ में समान अवसर देबय पड़ कहित शेखर कोइराला समूह निरंतर आवाज उठाई रहल अछि। तब बुध दिन पार्टी कार्यालय सानेपा में धरना समेत देने छल। सत्ता गठबंधन भीतर प्रतिनिधि सभा निर्वाचन के लेल सीट बाँटफाड़ में करीब सहमति जुटल अछि। बुध दिन अबेर धरि बैसल गठबंधन के बैसार से प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र के भागवंडा में करीब करीब आब सहमति जुटल अछि। सहमति अनुसार जसपा सुनसरी 1, सप्तरी 1, सिरहा 4, महतरी 4, सरलाही 1, रौतहट 3, बारा 2, बारा 3, परसा 1 आ 2, तहिना काठमांडू 7, बाके आ सप्तरी 2 पाव सहमति भेल अछि। जसपा धनसा 3 में समेत दावी केलो पर कांग्रेस या तय दावी कैलक अछि। तहिना महतरी 3 आ रूपंदही 1 में जसपा संगे माओवादी के सेहो दावी रहल अछि। तहिना राष्ट्रीय जनमोर्चा बांगलुंग 1 आ प्यूठान पेलक अछि। परसा के बीरगंज सब प्रहरी लागू औसत सहित 5 गोटे के नियंत्रण में लेलक अछि। नियंत्रण में रहल 12 घर रहल 26 वर्षक उत्तम आचार्य, 20 वर्षक अरुण राय, काठमांडू के चंद्रगिरी घर रहल सुबिन श्रेष्ठ, भारतीय नागरिक ओम प्रकाश महतो आ 12 घर भेल प्रदीप बोहरा के प्रहरी नियंत्रण में लेलक अछि। वीरगंज 14 स्थित गंडक सड़क खंड से ना 1 घर 28-23 नंबर के ई रिक्शा में सवार हिनका सबके संग में से लागू औसत भेटल। परसा के एसपी रमेश बसनेत जानकारी देने सैन आरोपी सबके संग में से निटजाई केयर टैबलेट 3 से, डाइजेपाम 17 से पीस, फेंड्रागन 17 से पीस आ नुफुन 17 से पीस बरामद कैल गेल अछि। आरोपी विरुद्ध जिला अदालत से म्याद लक अनुसंधान शुरू कैल गेल। एसपी बसनेत जानकारी दिलैथ। सत्ता गठबंधन से चुनाव लड़ एकीकृत समाजवादी 17 सीट पाव लागल अछि। सत्ता गठबंधन बुध दिन बैसल बैसार में समाजवादी के 17 सीट देव जेहन सहमति जुटल अछि। जाहि अनुसार समाजवादी इलाम 1, रौतहट 1, बारा 4, धारिंग 1, काठमांडू 8, ललितपुर 2, मकवानपुर 2, कास्की 2, गुलमी 2, पाल्पा 2, रूपंदेही 2, दांग 1, डोलपा 2 लेख 1, अछाम 1, बझांग हाडोटी के निर्वाचन क्षेत्र देव सहमति भेल अछि। मुदा ई मध्य किछ निर्वाचन क्षेत्र में अन्य पार्टी समेत दावी केला से अखन अंतिम रूप देव बाकी रहल अछि। 12 4 धारिंग 1 अछाम 1 में छलफल क के अंतिम रूप देल जायत नेता सब जानकारी देने छथि।
टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। सोन के दाम आई एक ही दिन 1200 रुपया से बढ़ल है। आई सोन के दाम तोला के 1200 रुपया से बैठ कर 92800 रुपया निर्धारण कैल गेल। नेपाल सोन चांदी व्यवसायी महासंघ जानकारी दिलक है। तहिना आई चांदी के दाम से बढ़ल है। तोला में 25 रुपया से बढ़ल चांदी आई 1170 रुपया में कारोबार भ रहल है। बेस्त टुडे समाचार अखन के लिए एतबा। दोसर समाचार लग उपस्थित बेटा करब। तखन धर के लिए हम सपना विदा मांगे छी। देखते रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।